इधर कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ब्लैक मिलिंग केस में पीड़िता के आरोपों को भाजपा नेता अरविंद भदौरिया ने निराधार बताया है। अरविंद भदौरिया ने कहा है कि युवती और हेमंत के बीच पहले क्या डील हुई थी और अब क्या डील हुई है उन्हें नहीं मालूम, लेकिन इस मामले में अब उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश जरूर हो रही है। अरविंद भदौरिया ने कहा कि वो इस मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेंगे। अरविंद भदौरिया पर लगे आरोपों को लेकर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर दंडूतिया ने। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के ऊपर रेप और अपहरण के आरोप लगाने वाली छात्रा अपने बयान से मुकरी है और सीधे तौर पर उसने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उसने सब कुछ किया था और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद भदौरिया के कहने पर ये सारी कवायद की गई थी, ये आरोप उसने लगाए थे। हमारे साथ कुछ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद भदौरिया जी मौजूद हैं। सर, बार बार बयान से पलटना और एक बार फिर से जो आरोपी छात्रा है आज जिस तरीके से बयान से अपने पलटी है मीडिया के सामने, क्या कहना है? मेरा कहना है जो भी उसने बयान दिया, जो भी पीड़िता है, मेरा ऊपर जो आरोप लगाए हैं मूलतः निराधार हैं, सत्य के बहुत दूर हैं। मेरा इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। उसके हमने उस समय देखे थे, व्हाट्सएप चैट आए थे, मैंने पूरे देश की मीडिया ने भी देखा था। ये जो जिनके ऊपर ये आरोप लगाए या जिसमें बंद हुई है, जिस पैसे के आरोप में सब जो कुछ चला है, उससे पहले कभी भी मेरी ना उसको मैंने देखा, ना कभी मेरी मोबाइल पर बातचीत हुई, ना कोई मेरा कभी संवाद हुआ। केस रजिस्टर्ड होने के पहले कभी भी इस हिंदुस्तान की नार्को एजेंसी से जांच करा लीजिए, मेरी कभी टॉक कोई नहीं हुई है, कभी कोई बात नहीं हुई है। इसलिए ये सब कहीं ना कहीं कोई कॉन्सिक्वेंस है, षड्यंत्र है हमको बदनाम करने का, हमारी छवि को धूमिल करने का। और इस सब में भी हम जुडिशली सिस्टम में हम बात करेंगे जो भी मेरे खिलाफ साजिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भदौरिया। सीधे तौर पर जो आरोप छात्रा ने लगाए उनको सिरे से खारिज किया और न्याय व्यवस्था में भरोसा उन्होंने जताया है कि इस पूरे मामले को लेकर जुडिशली सिस्टम से तहत कार्रवाई की जाएगी जो भी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।